नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज ताज ने अपनी माँ से बहुत दिनों के बाद सबसे पहले मिला, उसके बाद वो अपनी माँ से एक सवाल पूछा आज, और जिसके सुनने के बाद शबनम इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई कि वो रो दी सबके सामने। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ताज ने ऐसी कौन सी सवाल पूछी जिस वजह से उसकी माँ इतनी ज़्यादा इमोशनफुल हो गई, जिस वजह से वो रोने लगी जेल में। दोस्तों बता दूं आपको कि ताज आज बहुत दिनों के बाद मिला है। बहुत दिनों का बाद कहने का मतलब है कि इससे पहले जो है शबनम की तबीयत खुद ठीक नहीं थी, और मैंने बताया था कि आपको कई सारे ऐसे वीडियो जहां पे शबनम की तबीयत के बारे में बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप ज़रूर देख सकते हैं। वहां पे आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, शबनम के हर एक दिन के जितने सारे हिसाब है सारे आपको हमारे चैनल के द्वारा दिया जाता है। तो उसमें ताज जो है इसी कारण से उसको परमिशन नहीं मिल पा रहा था कि शबनम से जा करके मिले, लेकिन वो कल मिला, अपनी माँ से मिला, और वो उसने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसे सुनने के बाद हो सकता है कि आपके आंखों में भी आंसू हो जाए। अगर आप एक इंसानियत की बात करते हैं तो शबनम ने जो गुनाह किया उसको एक तरफ रखते हैं, और अभी समझते हैं कि शबनम जो एक माँ है अपने बेटे कि किस सवाल पे उसने रो दिया, ये आपको समझते हैं। दोस्तों बता दूं आपको कि ताज ने एक सवाल पूछा, उस सवाल ऐसा था जिसे सुनने के बाद शबनम रोने लगी। सवाल था कि माँ तुम कब मेरे पास हमेशा के लिए आओगी। दोस्तों ये सवाल इतनी ज़्यादा गहरी थी शबनम को लगा और शबनम रोने लगी। बेटे ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों काम किया जिस वजह से हमें इस तरह से मिलना पड़ता है, हमें इतने सालों तक अलग रहना पड़ता है, और ना जाने कब तुम अब मेरे पास आओगी। ये सवाल सुनने के बाद शबनम इतनी ज़्यादा भावुक हुई कि वो अपने बेटे को गले लगा करके रोने लगी। दोस्तों ये सवाल एक ऐसी सवाल है जिसका जवाब शबनम के पास बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों, और वो शांत से चुपचाप सुनते रही, रोने लगी। दोस्तों ये वो सवाल जो ताज ने पूछा अपनी माँ को इमोशन फुल करके रख दिया। दोस्तों ठीक है, दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, ताकि आपको और भी एक बेहतरीन अपडेट आपको कल वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।